इसी में बिजी रहते हैं, हिजाब इसमें बिजी है, उसमें बिजी है। अरे ये भी तुम्हारा इशू, वो भी इंपॉर्टेंट इशू, ये भी तुम्हारा इशू ना। मैरिज सर्टिफिकेट्स इशू नहीं कर रही है। वक्फ बोर्ड के सीईओ का रोल है एक जुडिशियल, उसे नॉलेज, वर्किंग नॉलेज होना जुडिशियल की, तो को से मिले वो डिपार्टमेंट के लोगों के लेगा कि तुम्हें सीईओ बना के। लास्ट टाइम आपने जो शादी के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के ऊपर जो एग्जाम लगाया था, कोई कानूनी कार्रवाई? देखो मैं फिर क्लैरिफाई करता हूँ आपको, क्या हो रहा है, वक्फ बोर्ड एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू करती है निकाह होने के बाद। वो मैरिज सर्टिफिकेट वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट जिसके बलबूते पे कोई भी गवर्नमेंट काम होता है, वीसा अप्लाई करो, पासपोर्ट अप्लाई करो, वही निकाह का सर्टिफिकेट लग जग देखो तो आपको वीज़ा पासपोर्ट नहीं मिलते, कोई अगर बच्चे हायर एजुकेशन को जाना है। वक्फ बोर्ड हाल ही में क्या करी है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैरिज सर्टिफिकेट्स इशू नहीं कर रही है। जब लोग क्यों नहीं कर रही बोले तो कोसा के हाईकोर्ट का ऑर्डर साइट कर रहे हैं, वो भी रिटर्न में नहीं दे रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंस या ओरली बोल रहे हैं, कहते यहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है। ये नहीं बोल रहे कि देखो भाई ये कोर्ट का ऑर्डर है, दैट इज़ वाई वी आर नॉट इशिंग, बोल के नहीं बोल रहे। नहीं भाई नहीं है कोर्ट का ऑर्डर है, जॉब बोल के ऐसे ना चलता सो अफेयर्स हमारे इसके सिस्टम के, सत्यनाथ सिस्टम ये। तो ये बच्चे क्या करें डेस्परेशन में, जो हायर एजुकेशन को जाना है, जो वीज़ा को अप्लाई करना है, या पासपोर्ट में जो शादी होने के बाद हस्बैंड का नाम वाइफ के पासपोर्ट में आना, वाइफ इधर आना, इनको कोई चारा नहीं बचा, ये जाके स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ये अपनी मैरिज रजिस्टर करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है का? तो या फिर उसमें जाके पूरी शादी हो जाती है, सिविल मैरिज जैसे बोलते हैं, या फिर तुम्हें निकाह करने के बाद, कस्टमरी मैरिज बोलते हैं निकाह को, या सात फेरे को भी कस्टमरी मैरिज कहते हैं। कस्टमरी मैरिज को जाको आप रजिस्टर करना उसी एक्ट में, दूसरी कोई भी एक्ट सेपरेट नहीं है। उसमें क्या होता, निकाह जाको आप जब निकाह होने के बाद जाको 1954 एक्ट में रजिस्टर करते हैं, तो आपकी इन इफेक्ट रजिस्टर मैरिज है सबका। तुम ना उसके बाद खुला डिवोर्स, निकाह जो भी है, ब्रेकअप है, मिलना है, इवन प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन है, वो जो शादी करते हैं उन्हें और उनके बच्चों के, अन इस्लाम शरिया ने अप्ले होता, इंडियन सक्सेशन एक्ट होता, या गलाटा गड़बड़ हुआ तो पूरी इंडिया के सेक्युलर कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन समझे या IPC वो अप्ले होते, शरीयत नहीं होता, IPC तो वैसा भी नहीं होता, छोड़िए सक्सेशन में, इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है। तो ये जो ट्रैवेस्टी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से आ गया है। खैर मैं ये पूछना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को, तुम्हें पहले तो लोग जब आ रही हैं तुम्हें उनको एंडोर्समेंट नहीं दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, ताकि उसका उन्होंने हाईकोर्ट में जाके रेमेडी ले, तुम्हें वो भी नहीं कर रही, तुम्हें उनको ओरली बोल रही, ये तो अथॉरिटेरियनिज्म हो गया तुम्हारा, इनकॉम्पिटेंस हो गया। दूसरा क्या है, वो बच्चों की ज़िंदगी के फ्यूचर के बारे में तुम्हें उनके हायर स्टडीज़ उनके मार खा रहे हैं, कहीं लोग जाके रजिस्टर नहीं कराते हैं इब्राहिम, कहीं उनको डर होता है, ये फिर टबूज है ना कि निकल क्या ये हो जाता कि बोल के, तुम्हें कर रहे हैं क्या बैठ के वहाँ, तुम्हें वक्फ बोर्ड का इंस्टीट्यूशन जो है ये पर्सनल अटैक भी नहीं है। अरे वक्फ बोर्ड के सीईओ का रोल है एक जुडिशियल, उसे नॉलेज, वर्किंग नॉलेज होना जुडिशियल की, तो को से मिले वो डिपार्टमेंट के लोगों के लेगा कि तुम्हें सीईओ बना के, क्वाजी जुडिशियल फंक्शन सीईओ का, आर्बिट्रेशन भी करती है गलाटा हुआ तो, ये ले लो को तुम्हें कर रहे हैं, तो क्या हुआ है इसका रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, कोसा हाईकोर्ट ऑर्डर ये आके है बोले तो, गुलमर्गा में 2011 में कोई प्रॉब्लम हो के एक हाजी, उनका नाम मोहम्मद सिद्दीक हुसैन कुछ है, उन्होंने जाके कोर्ट में ये सूट फाइल करे हैं कि बिकॉज आई एम अपॉइंटेड अंडर खाजी एक्ट ऑफ 1880, असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट करके है उनको, जो मैरिज सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड इश्यू करते वो इलीगल, मतलब इन्हों जो इशू करते हैं खासी वो लीगल को तो बोलना चाहते हैं कि क्या है कि वो लॉयर्स क्लैरिफाई करना, उसे ले लेके उन्होंने जस्ट बिकॉज उन्होंने अलेज करे हैं कि वक्फ बोर्ड जो इशू कर रहे हैं इलीगल बोल के इन्हों इशू करना बंद कर दें। अरे उसकी एप्लीकेबिलिटी भी, उसका स्कोप एग्जामिन करो कि क्या वो सिर्फ वो एरिया की, वो मस्जिद की, या जो भी है वो काजी का जुरिस्डिक्शन है उसे अप्लाई होता है, क्या ये पूरे कर्नाटका को अप्लाई करके रखते हैं? मेरे ख्याल से कर्नाटका को अप्लाई नहीं होना, वो खाजी एक्ट 1880 क्या है, खाजी को अपॉइंटमेंट का एक है, उसमें और एक सेक्शन 504 क्लियरली बोलता है कि खाजीज डू नॉट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल पावर्स, सीईओ ऑफ वक्फ बोर्ड हैज जुडिशियल पावर्स, क्वासी जुडिशियल पावर्स, आर्बिट्रेशन करती, ये करती, वो करती। तो तुम्हें क्या कर रहे हैं दो महीने से,
कहीं को तुम अपील नहीं करे इसके खिलाफ, कितने लोगों का बच्चे सफर हो रहे हैं इसके वजह से, उनके सिविल मैरिज हो जा रहे। तो सर आपने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, देखो मैं लॉयर नहीं, मैं इनिशिएटिव ले सकता हूँ, लॉयर से तो बात कर सकता हूँ, कुछ फाइनेंस कर सकते हैं हम लोग, या जो भी हमारे हाथ से हो सकता है वो कर सकते हैं। जब तो आप लोगों के चैनल का माशाल्लाह इतना ज़्यादा कैनवस इन परचेज है, इतने लोग देखते हैं, कोई भी इसी में बिजी रहता है, हिजाब इसमें बिजी है, उसमें बिजी है, अरे ये भी तुम्हारा इशू, वो भी इम्पोर्टेंट इशू, ये भी तुम्हारा इशू ना। सर यहाँ पर दो बातें होती है, एक अगर देखने ले तो वक्बो जो है लापरवाह है, या फिर वक्बो खामोश इसलिए है क्योंकि अगर वो कुछ भी करेगी तो इट्स अ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। नो, इट इज नॉट अ कंटेंप्ट। सी, आई एम नॉट अ लॉयर अगेन। The way I have sent you the, you please put it on your channel. That is Gulbarga को applicable है। Gulbarga का खासी बोल के है कि वक्फ बोर्ड इशू करना इलीगल बोल के, ठीक है आप बोल रहे हैं वही सुने तो कंटेंप्ट हो। क्यों इमीडिएटली क्लैरिफाई नहीं करे ये लोग, क्यों नहीं अप्रोच करे हाईकोर्ट को क्लैरिफिकेशन के वास्ते के कांट बी इशू बोल के, क्या कर रहे हैं ये लोग? परसों हाल ही में मुझे जो जानते हैं वो लोग आगे, तो तब मुझे ये रिवील हुआ, वहाँ जो ऑफिसर्स हैं वो क्लियर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं होता, लिखो दे, नहीं लिखो नहीं देते ओरली। अरे वॉट इज इट, इग्नोरेंस इज इट, इनकॉम्पिटेंस और आर यू स्लीपिंग? दिस इज अ इशू, अ ग्रेव इशू अफेक्टिंग द कम्युनिटी, अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, में उतनी भी ख्याल नहीं है। मैं वेरी स्ट्रांगली अपील करता हूँ कि हमारे जो लॉयर्स हैं, लॉयल माशाल्लाह मेरे एक से एक लॉयर्स हैं, ये भी कॉग्निशंस ले उसका, अप्लाई कर, मुझे भी कॉन्टैक्ट करें, मैं जिस खतर से हेल्प कर सकता हूँ उतना ही हेल्प कर सकता हूँ। इंडियन मोनिट्री एडवाइजरी में मैं बोला था लॉयर्स अपॉइंट कर दूँगा, कोई भी सामने नहीं है। फाइनली मैं मेरी ऑफिस ओपन करके जो उनका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के फॉर्म्स हैं वो फ्री हमें डिस्ट्रीब्यूट करें, हमें कर क्या सकते हैं? मैं ना सिस्टम में हूँ, ना मैंने MLA में, ना मैं लॉयर, हमें अवेयरनेस केयर कर सकते हैं, हो ना सर फाइनेंशियल हेल्प कर, दूसरा क्या कर सकते हैं?